वही तो सर सोच रहा हूं मैं। कितने कितने दिन थे वहां पे बताओ, क्या क्या रहा, कैसा कैसा एक्सपीरियंस था वो बताओ। सर एक्चुअली अच्छा ही था, लेकिन सर मैंने देखा ऑडिशन, और क्या इंटरेस्टिंग मेरा, मैं यही बता रहा था कि ऑडिशन और एक्चुअली डायरेक्ट शूट में एक्चुअली जमीन और आसमान का फर्क है सर। कैसे? क्या ऑडिशन में डर लग रहा था, लेकिन शूट पर सर एक्चुअली दिल खुलकर किया, अच्छा लग रहा था शूट पर। बहुत सारे लोग अलग अलग एक्चुअली वो उनके काम में बिजी है, मैं मेरे काम में बिजी हूँ, डायरेक्टर एक्शन, मैं पेपर बेच रहा हूँ, एक कैमरा लेकर खड़े खड़े ऐसे ऐसे जा रहा था कैमरा मैन। कट इट, तुम्हारा क्लोजअप लगेगा, हाँ पहले तुम्हारा लॉन्ग, हाँ ज्यादा, ये तुम्हारा फेम है, ज्यादा मत जाओ यहाँ से, ये देखो मार के देख लो तुम एक बार, तो चलो स्टार्ट हो जाओ जल्दी से। हाँ फिर बोला एक्शन, फिर मैंने इतना शुरू कर दिया सर, क्या बताओ, बहुत अच्छा लग रहा था एक्चुअली, इतना खुश था उस दिन में। मजा आ रहा था ना? हाँ सर बहुत मजा आ रहा था। तो वो सब चीजें याद आ रही थी जो जो बताया था मैंने, क्या मार्क होता है, कैसे फ्रेम में रहना है, कैसे यहाँ वहां देखना है, क्या करना है, क्लोजअप क्या होता है, लॉन्ग शॉट क्या होता है, सब याद आ रहा था अरे क्या क्या सर बताया? क्या बताऊँ, आपने तो पहले बात बताई थी कि वो जो एक्चुअली एनर्जी, वो तो सर मस्ट लगेगा ही, क्योंकि सर असिस्टेंट आ रहा है, एक बार उसका असिस्टेंट आ रहा है, डायरेक्टर आ रहा है, फिर एक्चुअली क्या बताऊँ सर, लगातार एक्चुअली शॉट के लिए ये एक बार करा रहा है, तो ये एक बार करा रहा है, ये एक बार करा रहा है, बोलो ठीक है कि डायलॉग, ये तुम्हारा डायलॉग परफॉर्म करके दिखाओ एक बार, फिर वो आ रहा अच्छा है परफॉर्म करके दिखाओ। एक्चुअली शॉट में इतना परफॉर्म नहीं कर पाया जो लोग एक्चुअली डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की बोल रहा हूँ, डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर ने करवाया। पहले पहले सब परफॉर्म करवा लेते हैं, अच्छा करके दिखाओ कैसे करोगे, क्या करोगे। हाँ कितने बार करवाया उन लोगों ने? 3-4 बार, नहीं सर 3 4 बार नहीं, कम से कम एक्चुअली 20 के ऊपर करवाया। 20 के ऊपर? अरे हाँ बाप रे, तो तब तक तो क्या एनर्जी बताओ, डाउन हो गई होगी। अरे क्या बताओ सर, वही तो बोल रहा, लेकिन आपका एक्चुअली आपने बताए थे कि एक्चुअली जो पहले करोगे वही लास्ट में भी सेम टू सेम एनर्जी रहना चाहिए, तो मैं अपने एनर्जी को खत्म होने नहीं दिया, डाउन होता रहा, फिर भी नहीं एनर्जी तो रहेंगे, नहीं तो बाद में वो बुलाएंगे नहीं, अगर कोई अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट होंगे, तो मैंने कोशिश किया 100% देने दे कराने की। फिर उन्होंने बताया कि मेरा नेक्स्ट एक्चुअली प्रोजेक्ट आ रहा है, तो तुम्हारा एक्टिंग मुझे अच्छा लगा, तो मैंने तुम्हारे एक्चुअली कैरेक्टर किरदार को देखकर मैं एक बनाऊंगा, तो किसने ऐसा बोला? डायरेक्टर ने? डायरेक्टर ने, ये सर बहुत उसका बढ़िया। नेक्स्ट, क्या वो क्या क्या नाम है डायरेक्टर का? आतिउल इस्लाम, अतुल। आतिउल इस्लाम, और मूवी का क्या नाम है, कुछ पता लगा? हाँ सर किशल है सर, लेकिन फोटो एक्चुअली वीडियोस फोटो वगैरह खींचे वो भी किसी ने नहीं दे रहे थे। हाँ हाँ, अलाउड नहीं होता ना ऐसे, क्योंकि रिवील हो जाता है ना लुक वहां का। अदरवाइज वो जो लुक है, जो जहाँ पे सीन हो रहा है या जो भी सीन हो रहा है, अगर वो रिवील हो जाएगा, लोगों को पहले ही पता लग जाएगा, तो फिल्म कौन देखेगा फिर ना? इसलिए बहुत हद तक मना करते हैं। जब सीन चल रहा होता है तब तो कोई नहीं बोलेगा तुमको लेने के लिए, सब मना करेंगे, उसके बाद तुम ले सकते हो, उससे पहले ले सकते हो। और वीडियो तो खास करके सर, मना करते हैं, फोटो तो फिर भी ले सकते हो एक आधे। लेकिन आपने जो जो चीज बताई थी सर सेम टू सेम वही हुआ वापस जाके, सेम आपने जो क्लोजअप बताया, एनर्जी बताए और बहुत सारे एक्चुअली बताए प्रैक्टिस वगैरह, जैसे पहले शॉट में क्या किया था दूसरे शॉट में, सेम टू सेम सर, जैसे मैं जब बैठा था तब एक बंदे ने कर रहा था, उसका शूट हो रहा चल रहा था उनका चाय पीने का, तो वो बंदे एक्चुअली बार बार एक्चुअली पहले एक अलग बोला था डायलॉग, दूसरे में अलग बोल रहा है, तीसरे में अलग बोल रहा है, तो अच्छा, एक्चुअली उनको डायरेक्टर बहुत गुस्सा गुस्सा हो गया था, तो उन्होंने गाली दे रहे थे बहुत अच्छा गाली एक्चुअली, दिया। लेकिन सर डायरेक्टर वालों ने तो सर गाली तो एक्चुअली ताजा ताजा देते हैं। इरिटेट हो जाते हैं ना वो लोग भी, अभी कितना समझाएंगे एक एक ही चीज। इसलिए वो लोग भी कोशिश करते हैं कि जो ट्रेंड आर्टिस्ट है उन्हीं को बुलाते हैं हमेशा, जिनको नॉलेज है। अभी ऐसा थोड़ी ना वो बैठ के बताएंगे कि अरे सेम लाइन बोलो, एनर्जी हाई रखो, ये वाला शॉट है, ये मास्टर शॉट है, ये लॉन्ग शॉट है, ये क्लोजअप शॉट है, ये सब थोड़ी ना वो सब बताएंगे बैठ के वहां पे। अब सोचो तुम वहां पे हो, तुम्हारे जैसे और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, अब एक दिन में बहुत सारे उनको शॉट लेने हैं, तो अगर वो यही काम करते रहेंगे, आर्टिस्ट को बैठ के सिखाते रहेंगे, तो बाकी का काम कौन करेगा है ना? डायरेक्टर का काम आर्टिस्ट को सिखाने का नहीं होता है, डायरेक्टर का काम डायरेक्ट करना होता है, शूटिंग करना होता है बस।
इसलिए लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि जो भी आर्टिस्ट आए वो ट्रेंड आर्टिस्ट हो, जिसको पहले ही सब कुछ आता है,